नमस्कार, यूपी लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और हम लोग आज चित्रकूट के लकड़ी उद्योग पर बात करने वाले हैं। ये जो आप मूर्ति कला देख रहे हैं लकड़ी की नहीं है, ये सुपारी की बनी हुई है। जो सुपारी गुटखा में वगैरह में और खाने के बाद जो अक्सर खाई जाती है, जो परंपरा है, भारतीय रिवाज है और बहुत ही शुभ अवसरों पर हमेशा उसका प्रयोग भी होता है। हमेशा कई परंपराएं हो, चाहे वो शादी ब्याह हो या किसी भी तरह का धार्मिक जो आयोजन होते हैं, उसमें सुपारी और पान की बहुत महत्वता होती है। तो उसको लेकर के इन्होंने ये पूरी सुपारी की जो है इन्होंने ये बनाई है। गणेश जी की मूर्ति है, ये प्रतिमा है। 1.5 किलो सुपारी इसमें लग चुकी है। 1500 रुपये कीमत की ये सुपारी से बनी हुई प्रतिमा है। जो इससे छोटी भी मिल जाएगी और बड़ी भी मिल जाएगी। उनका ये व्यापार यहाँ से और कहाँ कहाँ दूर दूर तक जाता है, इन सभी चीज़ों में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कितने खूबसूरत खिलौने लकड़ी के यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो शायद और कहीं भी इस तरह के लकड़ी के खिलौने हमको देखने को नहीं मिलते हैं। हमारा नाम बलराम सिंह राजपूत है। ये सीतापुर मोहल्ला डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट पर सीतापुर मोहल्ला राम दरबार हनुमान मंदिर के पास मेरा कारखाना है और यहीं पर दुकान है, यहीं पर मैं काम करता हूँ। जो लकड़ी के क्या क्या चीज़ बनाते हैं और वो कहाँ कहाँ तक बिक्री के लिए जाता है? लकड़ी के हम सामान जैसे बच्चों के खिलौने हुए, कुछ डेकोरेशन पीस हुए, कुछ यूज के आइटम हुए, ऐसे आइटम सारे बनाते हैं। बच्चों के आइटम कुछ अधिक ही बना रहे हैं जो, और माल के लिए जो बाहर से व्यापारी आते हैं तो स्वयं यहाँ से ले जाते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है तो वो अपना हमारे पते पर संपर्क करें तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा तो है। हम माल बाहर जाता भी है और भी भेज सकते हैं। हमारे खिलौने जो होंगे उनकी लाइफ होगी 25-50 साल, 100 साल जो है, और मतलब ये जो है मतलब इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो ये भी पूरा लकड़ी का बना हुआ है और ये भी इसी कारखाने में इन भाई साहब के द्वारा तैयार किया गया है। 150-150 रुपये का ये बड़ा वाला मिल जाएगा आपको, और ये जो छोटा वाला है ये आपको जो है 75 रुपये का। किसी भी तरह से ये गिर जाएगा, पड़ जाएगा, लेकिन नहीं, चाइना का जैसे आइटम जो होते हैं जो प्लास्टिक के जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, ये वैसा नहीं है। बच्चा चाहे इसको जितना भी उछाल दे, पटक दे, फेंक दे, इसका कोई भी टूटने फूटने वाली ऐसी कोई भी इसमें चीज़ नहीं है। मतलब ये इसका क्या दाम है? 30 रुपये का ये जो है आपको होल सेल बता रहे हैं, रिटेल बता रहे हैं? रिटेल का है। होल सेल में अगर कोई लेने आता है तो उसमें कितना कम हो जाएगा? 2 रुपये कम होगा। 2 रुपये से 5 रुपये तक को आपको हर सामान में यहाँ पर आपको जो है कमी हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये घर में जो तमाम जो एक्यूप्रेशर के जो सामान प्रोडक्ट आते हैं, जो तमाम मिल जाते हैं, ये एक्यूप्रेशर है। ये जहाँ कहीं दर्द वगैरह हो या कहीं पे सूजन वगैरह, किस तरह में मसाज वगैरह के लिए, इस तरह से आप बॉडी मसाज के लिए जो है, ये जैसे आप तमाम जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट आते हैं तो ये लकड़ी के सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ये हाथों की एक्सरसाइज करने के लिए है, इसको जो है ये भी मिल जाएगा। ये किस रेट का है? ये 25 रुपये का। ये 25 रुपये का आपको पड़ेगा। ये एक अलग है, ये थोड़ा सा और उसमें है। ये वाला क्या रेट का है? ये 40 रुपये। ये 40 रुपये का पड़ने वाला है आपको। 30 रुपये का ये भी है। होलसेल में जब लेंगे तो आपको ये कम हो जाएगा। अच्छा, आपको लकड़ी के उद्योग में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो किस तरह के अवार्ड मिले हैं, कितना सम्मान दिया? सर देखिए, मुझको जैसे डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है, स्टेट अवार्ड मिला है, और ये मतलब इसी तरह से स्टेट अवार्ड तक मिला है,
मेरे पिताजी को शिल्प गुरु मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था, अंतर्राष्ट्रीय जो है पुरस्कार मिला था जो है। वो मलेशिया भी गए थे, बाहर कई देश घूम चुके हैं, लेकिन अभी मैं प्रयासरत हूँ आगे के लिए जो है। तो सरकार से कुछ मदद आप लोगों को मिल पाती है? सरकार से हाँ थोड़ा बहुत जो है मिल रहा है, प्रदर्शनी जैसे बाहर लगती है तो कहीं कहीं जो है मिल जाता है। और अभी तो योजना योगी जी ने एक जनपद एक उत्पाद पे खिलौने लाए थे लकड़ी के जिले पर, तो उस पर अभी काम तो हो रहा, पर जमीनी स्तर पर अभी जो है कुछ। तो किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है और इस उद्योग को बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है कि सरकारों को क्या करना चाहिए? सरकार हमें लाइट में सब्सिडी दे, और जो हमारा ये रॉ मटेरियल जैसे लकड़ी हुई, लकड़ी की व्यवस्था कराए। जो जैसे वन विभाग है, इधर दो वर्षों से कटान नहीं कराई है, अब कि यही सब परेशानी हो जाती है लाइट की है और इसकी है, और मार्केट की थोड़ी व्यवस्था कर दें बाहर की। अभी कितना माल आप लोग महीने में जो है बना पाते हैं और सेल हो जाता है? तो माल जो बना रहे हैं माल के लिए तो मार्केट चित्रकूट ही है, सेल तो सभी आइटम हो जाते हैं, रुक नहीं पाता आइटम कोई भी, क्योंकि मतलब ये आइटम इतने अच्छे लगते हैं कि इनकी कमी ही रहती है जो है। लेकिन इधर कारीगर भी बढ़ रहे हैं अब जो है, बहुत से लोग जो इससे वापस चले गए थे फिर वापस इसी पे आ रहे हैं। सरकारों की वजह से जो है उद्योग फिर एक बार लगातार बढ़ रहा है, लोग नए लोग भी आ रहे हैं, नई मशीनें भी आ रही हैं, और नए डिजाइनों के उस रूप में जो है लकड़ी का व्यापार बढ़ रहा है। सरकारों को जो थोड़ी सी जो अभी भाई साहब ने बताया कि कुछ सुविधाएं बिजली के लेके और कुछ चीज़ों की जो होनी चाहिए उसको अगर और बढ़ावा दिया जाता है तो निश्चित तौर पर चित्रकूट का लकड़ी व्यापार बहुत उन्नति और बड़े स्तर पर बाहर के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी हो सकता है, यानी कि विदेशी को भी हमारे निर्यात यहाँ से कर सकते हैं, ताकि हमारा व्यापार भी बढ़े। और ये जो चाइना की जो चाइना से जो हमारे यहाँ जो माल आता है तो ये लकड़ी का व्यापार हम चाइना तक भी पहुँचे, ऐसी एक उम्मीद रहेगी यूपी लाइव इंडिया से।